14 दिन पहले एक विनाशकारी भूकंप ने तुर्की और सीरिया की धरती को हिलाकर रख दिया था। जिसमें हजारों लोगों की जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। अभी लोगों के आंखों के आंसू भी नहीं सूखे थे कि एक बार फिर तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर भूकंप का झटका महसूस हुआ। 6.3 की तीव्रता का भूकंप सोमवार की देर शाम महसूस किया गया, जो 1.9 किलोमीटर की गहराई पर आया। महाविनाशकारी भूकंप के बाद एक बार फिर तुर्की में दहशत का माहौल है। वे अभी तक पिछले भूकंप से उभरे भी नहीं थे कि अब एक बार फिर उन्हें तबाही की आशंका सताने लगी है। डर की वजह से सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल है। तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोयालू ने जानकारी देते हुए कहा कि इस भूकंप में 3 लोग मारे गए हैं और 200 से अधिक लोग घायल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डेफने शहर में रात करीब 8:04 पर भूकंप आया। इसके झटके उत्तर में 200 किलोमीटर अंतरकाय और आदान शहर में भी महसूस किए गए। तुर्की के आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी का मानना है कि हाटे के समंदाग जिले में 5.8 की तीव्रता के दूसरे भूकंप ने कई मिनट तक इस क्षेत्र को दहलाया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि भूकंप के बाद तुर्की में मौजूद बचाव दल के जवान इधर उधर भाग रहे थे। वे जांच कर रहे थे कि क्या भूकंप से प्रभावित अधिकतर क्षेत्रों में जीवितों लोगों की तलाश के लिए अभियान को रोक दिया गया। तुर्की के डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी का मानना है कि मलबे में अब तक किसी के जीवित दबे होने की संभावना नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट की माने तो पिछले 2 हफ्तों में तुर्की के 11 राज्यों में भूकंप के 6,000 से ज्यादा झटके महसूस किए जा चुके हैं। इन इलाकों को आपदा क्षेत्र कहा जा रहा है। 6,000 में से 40 झटके की तीव्रता 5 से 6 के बीच थी, जबकि एक तीव्रता 6.6 थी। तुर्की के राष्ट्रपति तैयप ने बताया कि 11 भूकंप प्रभावित प्रांतों में लगभग 2,00,000 अपार्टमेंट का निर्माण कार्य अगले महीने शुरू हो जाएगा। वहीं आपदा प्रबंधन ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 हफ्ते पहले आए भूकंप से मारे जाने वालों की संख्या 41,156 हो गई है। मृतकों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। लगभग 4,00,000 अपार्टमेंट गिरकर ध्वस्त हो चुके हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं। बहुत सारे लोग आज भी लापता हैं। बता दें, तुर्की में कई दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और लगातार शवों को बाहर निकाला गया। इस रेस्क्यू मिशन में भारत ने तुर्की की बड़ी मदद की थी। भारत के अलावा कुछ दूसरे देशों ने भी अपनी तरफ से तुर्की को सहायता भेजी थी। रविवार को ही भारत की NDRF की आखिरी टीम वापस देश लौटी है।